हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे डीएनएस स्पूफिंग बाय कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से डीएनएस स्पूफिंग का प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि वो पुराने वीडियोज़ देखें ताकि इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ सकें। और जो लोग एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एथिकल हैकिंग के ट्यूटोरियल्स हैं। इनके साथ साथ काली लिनक्स और मोबाइल हैकिंग के भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जो लास्ट की क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया कि डीएनएस स्पूफिंग मोबाइल फ़ोन से कैसे की जाती है, और आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर से अगर हमें डीएनएस स्पूफिंग करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे, डोमेन नेम सिस्टम। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए एक ज़रूरत होगी एक सॉफ्टवेयर की, यानी कि केन। इसमें एक सॉफ्टवेयर है केन एंड एबल के नाम से, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आपको सबसे पहले सिनिफ करना होगा, और सिनिफ के बाद ही हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डीएनएस स्पूफिंग क्या होता है, तो उसके लिए मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बताया है डीएनएस स्पूफिंग यानी डोमेन नेम सिस्टम का जो स्पूफिंग अटैक है वो किस तरह से किया जाता है। थ्योरेटिकली मैंने आपको लास्ट के वीडियो में भी बताया है, और प्रैक्टिकली मोबाइल्स के जरिए भी मैंने उसका कुछ थोड़ा डेमो दिखाया है। लेकिन आज हम जानेंगे कि एक नेटवर्क के अंदर यही काम कंप्यूटर से कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक ये भी है, कैन एनेबल से आप कर सकते हैं बहुत हद तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है सिनिफिंग, और सिनिफर पे क्लिक करने के बाद हमें ऑन करना है सिनिफिंग प्रोसेस को। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, इससे जो सिनिफिंग प्रोसेस है वो ऑन हो गई। उसके बाद हमें प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है, और ये आप देख सकते हैं मैक एड्रेस स्कैनर। इसके जरिए जितने भी मैक एड्रेस हैं, जो इसमें एक रेंज दी गई है, रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी आप दे सकते हैं। तो 192.168.1.1 से 254 तक हम जितने भी एड्रेसेस हैं उन सबको स्कैन कर रहे हैं। तो मैं इसे स्कैन कर देता हूँ, और आप यहाँ पे देखेंगे कि तीन कंप्यूटर्स की डिटेल ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि फ़िलहाल इसके नेटवर्क में तीन कंप्यूटर्स हैं जो इसके टारगेट बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिनिफ कर लिया है। सिनिफ करने के बाद हमें जाना होगा APR, जिसे पॉइजनिंग भी कहते हैं। ये पहले से ऐड है फ्रेंड्स, मैंने डिलीट कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में ये अच्छे से आ जाए। और APR पे जाने के बाद सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा APR पे, क्योंकि यहाँ से हम पॉइजनिंग करते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें कॉन्फ़िगर में ये जो डिवाइस है ये आपको सेलेक्ट करनी होगी, ओके करना होगा ताकि ये सेलेक्ट हो जाए सिनिफिंग। तो अगर ये ऑन नहीं है यहाँ से तो सिनिफिंग वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि सिनिफिंग के लिए पहले आपको यहाँ से ओके करना होगा। तो APR करने के बाद आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो प्लस का सिंबल आ जाएगा, जिसके ज़रिए आप अपने टारगेट कंप्यूटर को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। जिस भी कंप्यूटर पे जो भी IP है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है 77 और 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। क्यों फ्रेंड्स, जो भी आपका टारगेट है उसे आपको क्लिक करना होगा। अगर हम यहाँ देखें तो लेफ़्ट साइड जो रेंज है वो हमारे टारगेट कंप्यूटर्स की है, और राइट साइड वो कंप्यूटर्स हैं जिनके ज़रिए हम इस तरह के प्रैक्टिकल को अंजाम देंगे। तो मैंने इसे सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह की जो प्रोसेस है ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद हम यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ऐसा करने के बाद उसके बाद हमें करना होगा DNS रिजॉल्व। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्लिक करना है APR DNS। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, दो एड्रेस मैंने ऐड किए हुए हैं। आप चाहें तो इन्हें मैं डिलीट कर देता हूं। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इन्हें ऐड कैसे किया। तो फ्रेंड्स, DNS को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, DNS स्पूफिंग के अंदर हम किसी भी DNS एड्रेस को रिडायरेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया, जो भी डोमेन नेम आपको चेंज करना है, मैंने यहाँ लिख दिया google.com, और फिर क्लिक करना है रिजॉल्व पे। इसे आप जिस भी एड्रेस के साथ चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो गूगल है उसे चेंज कर दिया rediff.com के साथ,
और मैं इसे ओके कर देता हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जुड़ चुका है। ऐसे ही मैंने दूसरा एड्रेस यहाँ पे जोड़ दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा facebook.com और इसे मैं रिजॉल्व कर देता हूँ सेम उसी एड्रेस के साथ। आप किसी भी एड्रेस को किसी के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रेडिफ के साथ ही करना है, आपको जो भी सूटेबल लगे वो पेज यहाँ दे सकते हैं। और बहुत सारे जो अटैकर हैं यहाँ पे अपने फेक पेजेस का एड्रेस देते हैं ताकि आप उन पे रिडायरेक्ट हो जाएं और आपकी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ और जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि आप इसे कैसे करते हैं या वो लोग इस तरह की चीज़ों को कैसे अंजाम देते होंगे। इसमें किसी दूसरे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर पे अटैक करते हैं, इलीगल एक्सेस करते हैं तो ये गलत है और आप सभी जानते हैं हैकिंग एक क्राइम है तो वो हमें करना नहीं है। तो इसके लिए मैंने अपना खुद का जो कंप्यूटर है वो इस्तेमाल किया है वर्चुअल बॉक्स के अंदर, आप वो वर्चुअल बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के प्रैक्टिकल्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं साइड में मेरा जो वर्चुअल बॉक्स है जिसमें विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 8 कोई भी ले सकते हैं, ये सभी पे काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि विंडोज़ XP पे ये थोड़ी प्रॉब्लम शो कर दे, बट 7 8 सभी पे काम करेगा क्योंकि विंडोज़ XP तो लीगली माइक्रोसॉफ्ट बंद कर चुका है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें यहाँ पे ये एड्रेस हमने रिजॉल्व कर दिए हैं, मैं दोबारा APR पे जाता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया और उसके बाद हमें पॉइजनिंग ऑन करनी होगी। मैं यहाँ से पॉइजनिंग को ऑन कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइजनिंग यानी कि स्टार्ट हो गई है। पैकेट्स हमें शो कर रहा है 00 यानी कि जो पैकेट्स हैं अभी सेंड और रिसीव नहीं हुए। जैसे ही हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देखना, कुछ न कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं जैसे क्लाइंट google.co.in सिक्योरिटी इशू आ गया है जो कि पहले नहीं था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पे जो इफ़ेक्ट है वो स्टार्ट हो गया है। मैंने यहां पे जस्ट सिंपल सा कोई भी टर्म लिखी है कंप्यूटर और वो यहां पे स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स अगर हम यहां देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं साइड में ये हमें शो कर रहा है फुल राउटिंग यानी कि पूरी तरह इस कंप्यूटर पे आपका एक्सेस हो चुका है। पैकेट्स आपको ये शो कर रहा है सेंडिंग रिसीविंग, कितने पैकेट्स जा रहे हैं या आ रहे हैं वो आपको शो हो रहे हैं, IP एड्रेसेस आपको शो हो रहे हैं। फ्रेंड्स इसके बाद जिन एड्रेसेस को हमने स्पूफ किया था वो हम वन बाय वन देखते हैं किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। मैंने यहाँ लिखा www.google.com और अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए जैसे मैंने उसे एंटर किया यहाँ हमें शो कर रहा है फ्यूचर होम ऑफ समथिंग क्वाइट कूल यानी कि वो जो साइट है वो ओपन नहीं हुई, वो ब्लॉक हो गई पूरी तरह से, या फिर यहाँ पे रेडिफ आना चाहिए था। तो कई छोटी मोटी गलतियों की वजह से या कुछ सिक्योरिटीज़ की वजह से भी वो हमें शो नहीं करता है, तो दैट मीन्स ये वर्किंग तो है, वो जो अटैक हमने किया था वो एकदम सक्सेस है। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ लिखा फेसबुक www.facebook.com, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फेसबुक लिखा है एंटर करके तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फेसबुक की जो साइट है वो ओपन नहीं हुई। जैसे ही मैं कोई भी एड्रेस यहाँ पे टाइप करता हूँ तो जो राउटिंग है ये हमें शो करता है फुल राउटिंग, पैकेट्स जो हैं वो सेंड और रिसीव भी हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो DNS स्पूफिंग अटैक है वो किया जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वो पेज ओपन क्यों नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स उसके लिए थोड़े से सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जो मैं आपको पूरी तरह से करके नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज ऑफ द YouTube प्रिकॉशंस। अगर मैं ऐसा करूँगा तो आप जानते हैं कि उस तरह के जो वीडियोज़ हैं उन्हें YouTube डिलीट कर देता है। तो होप्स आप यहाँ से बहुत कुछ समझ गए होंगे कि किस तरह से इन अटैक्स को अंजाम दिया जाता है और किस तरह से हम अपने टारगेट कंप्यूटर को तैयार करते हैं, DNS स्पूफिंग क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है। और आप देख सकते हैं APR के अंदर मैं चेक करूँ DNS को, आप देख सकते हैं google.com वन टाइम ओपन किया गया है, रेस्पॉन्स स्पूफ आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, स्पूफिंग IP आपको शो कर रहा है, गूगल है फेसबुक है, और रेस्पॉन्स जो है वो भी दिखा रहा है कि दोनों एक एक बार ट्राई किए गए हैं और आप सभी जानते हैं हमने वन टाइम दोनों को ट्राई किया था। होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर से। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।